हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम MIUI 14 रिलीज़ हो गया और ये सिर्फ लिमिटेड डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। बहुत जल्दी अपने डिवाइसेस के लिए भी अवेलेबल रहा था। MIUI 14 में मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे इसके विजेट्स आप चेकआउट कर सकते हैं। एकदम कूल इसके विजेट्स है, छोटा सा इसका साइज है और ये छोटे साइज में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इस पर क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिलता और ये देखने में बहुत अच्छे दिखते। और यहाँ पे फोल्डर्स आप चेकआउट कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी अपने को देखने को मिल जाता। इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि MIUI 13 और 14 में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो। सेटिंग्स पे आ जाएंगे अपन तो यहाँ पे इंटरफेस आप चेकआउट कर सकते हैं। आइकॉन अपने को कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। थीम स्टोर पे जाके अपन आइकॉन पैक को अप्लाई करते नहीं, वैसे दिख रहे लगा। ये आइकॉन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताओ, और पहले के अच्छे थे या फिर ये अच्छे है बताओ कमेंट सेक्शन में। मेरे को तो पहले वाले अच्छे दिखे, MIUI 13 में इससे अच्छे आइकॉन्स थे। अबाउट सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे MIUI 14 का लोगो आपको देखने को मिल जाता और ये बेटा वर्जन है, जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं 14.22.12.5। डिटेल में अपन चले जाएंगे, यहाँ पे अपने को मेमोरी एक्सटेंशन देखने को मिल जाता और यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट अपने को देखने को मिलता। 13 इधर एंड्रॉइड वर्जन है, 1 नवंबर का इधर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपने को देखने को मिल जाता और यहाँ पे MIUI वर्जन 14.22.12.5 बेटा वर्जन इधर है। कर्नल यहाँ पे पफ का है। यहाँ पे ये विजेट्स को आप स्विच कर सकते हैं, इस पर टैप करके रखो, स्विच का ऑप्शन आता। इधर इतने सारे विजेट्स शो करता, इनमें से कौन सा आपको अच्छा दिख रहा अप्लाई पे दबा देना तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाता। अब जैसा मेरे को ये अच्छा दिख रहा इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये विजेट अवेलेबल हो गया। ये भी बहुत अच्छा फीचर दिखा मेरे को। और एक यहाँ पे एक जबरदस्त फीचर है, अगर आप कौन सा भी APK या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्हें पासवर्ड मांगना, MIUI अकाउंट का पासवर्ड आपको डालना पड़ता। ये आप फिंगरप्रिंट पे भी सेट कर सकते हैं लेकिन मेरे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसमें। अगर APK इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे पासवर्ड डालो या फिर फिंगरप्रिंट डालो तभी APK इंस्टॉल होता। तो ये भी फीचर बहुत अच्छा है, कोई भी दूसरा जना आपके फ़ोन में आपकी मर्जी के बगैर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकता। और एक खतरनाक फीचर की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक साउंड रिकॉग्निशन ऑप्शन मिल जाता। साइड में ये टूल बॉक्स है, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पे रिकॉग्नाइज बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑप्शन आपको देखने को मिलता, इसको ओपन करो। यहाँ पे सारे परमिशंस को अलाउ कर दो, फिर यहाँ पे सॉन्ग आप प्ले करो। देख सकते हैं इन्हें साउंड को रिकॉग्नाइज करके इसका नाम दे दिया, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। और यहाँ पे इसका क्विक बॉल भी अपने को देखने को मिलता। इधर अपन पॉज या फिर प्ले बटन्स को एक्सेस कर सकते हैं। स्टेटस बार में कोई भी चेंज अपने को देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे MIUI 13 का ही स्टेटस बार है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पुराना स्टेटस बार भी देख सकते हैं, वैसी है, कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे इसके ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में चेकआउट कर सकते हैं, कोई भी अपने को लैग देखने को नहीं मिलता। स्मूथ यहाँ पे एनिमेशन है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाता। यहाँ पे लाइब्रेरी में वॉलपेपर अपने को मिल जाते, MIUI 14 के वॉलपेपर्स इधर है। और नेचर पैटर्न्स के वॉलपेपर अपने को देखने को मिल जाते, कर्व्स के वॉलपेपर भी इधर है, मोल्टन ग्लास के वॉलपेपर भी अपने को मिल जाते। यहाँ पे कोई भी चेंज अपने को देखने को नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पे MIUI 14 के वॉलपेपर्स ऐड हुए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे चले जाएंगे, यहाँ पे वही पुराने ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे भी कोई भी चेंज अपने को देखने को नहीं मिलता। वॉलपेपर कराउजल का अपने को सपोर्ट देखने को मिल जाता और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा। डिस्प्ले पे चले जाएंगे अपन, यहाँ पे डार्क थीम व्हाइट थीम बहुत अच्छा वर्क कर रहा और कोई भी इधर अपने को रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। मेरे जो व्यूवर्स ये रोम को फ्लैश करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ, इसमें कोई भी प्ले स्टोर का सपोर्ट अपने को देखने को नहीं मिलता, ये ध्यान में रखो। कोई भी इधर अपने को GApps देखने को नहीं मिलते, अलग से फ्लैश करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड ना होते। ये पोर्टेड रोम है, ऐसे इश्यूज आपको देखने को मिलते लेकिन जल्दी स्टेबल वर्जन रिलीज होता तो तब तक ही अपन वेट कर लेंगे। साउंड एंड वाइब्रेशन में कोई भी अपने को एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे हैप्टिक्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे। और होम स्क्रीन में भी कोई भी अपने को एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। होम स्क्रीन क्लासिक ऐप ड्रॉअर लाइट मोड पे आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पे एनिमेशन स्पीड फास्ट बैलेंस रिलैक्स पे सेट कर सकते हैं। अरेंज आइटम्स इन रिसेंट वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेट कर ले सकते हैं। फिंगरप्रिंट एंड लॉक स्क्रीन में अपने को फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता। और सिक्योरिटी पे चले जाएंगे अपन तो यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शंस ऐड हुए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। बैटरी पे चले जाएंगे, यहाँ पे बैटरी में कोई भी अपने को एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ऑटोमेटेड टास्क का ऑप्शन है और कोई भी इधर एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। एडिशनल सेटिंग में अपने को क्विक बॉल का सपोर्ट देखने को मिल जाता और क्लियर स्पीकर का ऑप्शन इधर है। यहाँ पे थोड़े बहुत स्पेशल फीचर्स है, ये टैपलेस क्या है मैं बता दूं, इसको इनेबल कर लेना। जैसा आपको कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है या फिर कोई भी इमेज का आपको इन्फॉर्मेशन होना है, सीधा यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके रखो, साइड पे ये टेक्स्ट बॉल क्या था इस पे टैप करो, जितना भी टेक्स्ट है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, सेलेक्ट ऑल पे दबा देना, कॉपी मार देना, ऐसा कॉपी हो जाता। ये फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता, बहुत अच्छा फीचर है ये। और फ्लोटिंग विंडोज इधर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर है, मेमोरी एक्सटेंशन 3GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फीचर है ये। टैप करे तो एक बार रिबूट करने को बोलता, रिबूट कर लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे ऐड हुआ लेकिन ये डेवलपर मोड पे है।
थोड़े बहुत फीचर्स यहाँ पे सही से वर्क नहीं कर सकते। ट्रांसलेट, विजुअल, वॉइस का अपने को AI देखने को मिल जाता और स्क्रीन टाइम का डैशबोर्ड भी इधर है, तो ये सब सेटिंग्स अपने को इसमें देखने को मिल जाती। ये बेटा वर्जन है तो इसमें और फीचर्स ऐड हो सकते होंगे। सिक्योरिटी एप्लीकेशन में कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलता। कैमरा पे आएंगे तो यहाँ पे वाइड एंगल अपना क्रैश करता, देख सकते वर्क नहीं कर रहा, और बाकी सारे मोड्स इधर वर्किंग है। पोर्ट्रेट वर्किंग है, नाइट भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा, और यहाँ पे स्लो मोशन भी वर्किंग है, 64 मेगापिक्सल भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा, फ्रंट कैमरा भी देख सकते वर्क कर रहा। रैम मैनेजमेंट अपन चेकआउट कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते 63% तक रैम मैनेजमेंट है, एवरेज अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा रैम कंज्यूम नहीं हो रहा। गूगल फोटोज में स्पूफिंग अपने को देखने को नहीं मिलती और ये क्रैश भी कर रहा। विडजेट चेक कर लेंगे अपन, तो यहाँ पे आप विडजेट चेकआउट कर सकते हैं। चाइना के इधर आपको विडजेट देखने को मिल जाते, बहुत सारे इधर विडजेट है और कैटेगरीज में भी विडजेट आपको देखने को मिल जाते। होम स्क्रीन लेआउट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, दो यहाँ पे लेआउट है 4x6 5x6 तक है। गेम टर्बो का सपोर्ट अपने को इसमें देखने को मिल जाता, यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे अपन कोई भी ऑप्शन इधर एक्स्ट्रा ऐड हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी इधर अपने को एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, वही पुराने ऑप्शन है। वॉइस चेंजर आपको देखने को मिल जाता, यहाँ पे इतने सारे वॉइस आप चेंज कर सकते हैं, और टाइमर आपको देखने को मिल जाता। यहाँ पे अपने फ्लोटिंग विंडोज बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बैलेंस मोड पे आप सेट कर सकते हैं। ग्राफिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को 90 FPS अनलॉक नहीं मिलता, अल्ट्रा पे अपन गेमिंग कर ले सकते हैं, गेम प्ले इसमें अपन नहीं कर सकते। कई को बोले तो यहाँ पे इनबिल्ड कोई भी अपने को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता। CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ आप देख सकते हैं, मैक्सिमम GIPS 1,45,000 है, एवरेज GIPS 1,30,000 है, मिनिमम GIPS 98,000 GIPS तक चले जा रहा। परफॉर्मेंस अच्छा है रोम का। तो ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो। अपन स्टेबल वर्जन का वेट करेंगे, ये वर्जन में बहुत सारे बग्स है, फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स में ये स्टेबल वर्जन अपने को देखने को मिल जाता। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे तो अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड करेंगे अपन वीडियो को, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।